हाय गाइस, वेलकम बैक टू हैशटैग गेमिंग यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बात करेंगे असैसिन क्रीड ओरिजिन्स वर्सेस असैसिन क्रीड ओडिसी, ओ वर्सेस ओ। तो असैसिन क्रीड ओरिजिन्स जो है वो 2017 में आई थी, असैसिन क्रीड ओडिसी जो है वो 2018 में आई थी। असैसिन क्रीड ओडिसी और ओरिजिन्स में मेन फर्क ये है कि जो ओडिसी है वो ओरिजिन से भी 500 से 600 साल पुरानी स्टोरी है, और जो दूसरा फर्क ये है कि वो आरपीजी है। अगर हम बात करें सबसे पहले ग्राफिक्स की, तो ग्राफिक्स में देखो दोनों का डिफरेंट आर्ट स्टाइल है। अगर मैं प्रॉपर फिडेलिटी की बात करूं, ड्रॉ डिस्टेंस की बात करूं, टेक्सचर्स क्वालिटी की बात करूं, तो वो मुझे असैसिन क्रीड ओरिजिन्स के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आप फायर इफेक्ट्स देखें, हॉर्स के एनिमेशन देखें, बायक के अपने एनिमेशन देखें और उसको ओडिसी के साथ कंपेयर करें, तो वो सब कुछ बेटर है ओरिजिन्स में। पर लेकिन अगर हम सुंदरता की बात करें कि वर्ल्ड ज़्यादा ब्यूटीफुल कौन सा है, तो वो ओडिसी का मुझे ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी आर्ट डायरेक्शन कुछ इस तरह की है, लश फॉरेस्ट से भरा हुआ है ओडिसी का वर्ल्ड, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है चारों तरफ, एंड काफ़ी फैंटेसी लाइक वर्ल्ड है उसका। वहाँ पर यूनिकॉर्न्स भी हैं, विचेस भी हैं, एंड एक सांप के मुंह वाली औरत भी है, जो कि हमें गॉड ऑफ वॉर में भी देखने को मिली थी, जो पत्थर बना के, मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्या उसका, शायद मेड्यूसा है। तो ऐसे ऐसे करेक्टर्स भी हैं। तो अगर हम ब्यूटीफुल के बारे में बात करें तो ओडिसी बेटर है, एंड अगर सिर्फ ग्राफिक्स की क्वालिटी की बात करें तो ओरिजिन्स बेटर है। अगर हम अब बात करें स्कोर की, तो वो 1-1 हो चुका है, तो फिर कोई भी अभी लीड पे नहीं है। अब बात करते हैं साउंड ट्रैक किसका बेटर है। अगर साउंड ट्रैक की बात करें तो देखो, वो असैसिन क्रीड गेम्स का जो साउंड ट्रैक है वो शुरू से एक जैसा ही चलता है, कुछ इस तरह का। तो ये वाली जो ट्यून है ये हर असैसिन क्रीड गेम में कंटिन्यू होती आई है, इसी ट्यून को डिफरेंट कर दिया जाता है हर गेम में, थीम सॉन्ग में। तो जो ओरिजिन्स का ये वाला थीम सॉन्ग है, ये मुझे ज़्यादा बेटर लगता है ओडिसी के मुकाबले। अब ये पर्सनल चॉइस है, क्योंकि सब्जेक्टिव होता है म्यूजिक टेस्ट। आपको हो सकता है वो पसंद आए, मुझे वो, तो उसकी कोई बात नहीं है। तो मैं कहूँगा अगर हम मेन थीम सॉन्ग की बात करें तो दोनों का कोई मतलब पॉइंट देने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि सॉन्ग सेम है। बट अगर हम VFX की बात करें कि ऑडियो क्वालिटी कैसी है किसी गेम में, मतलब तलवार चलाते तो उसकी ऑडियो में किसकी ज़्यादा बेटर है दोनों गेम्स में से, जितने भी साउंड इफेक्ट्स होते हैं, तो उसमें मुझे लगता है ओडिसी के ज़्यादा बेटर हैं ओरिजिन से। अब ऐसा क्यों पता नहीं, मेरा बस दिल बोल रहा है कि ऐसा है, तो अब मैं इसकी कोई वजह नहीं दे सकता आपको। तो अब हो गया स्कोर ओडिसी की तरफ 2, ओरिजिन्स की तरफ 1। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड की सेटिंग किसकी ज़्यादा अच्छी है, इजिप्ट ज़्यादा अच्छी है वर्ल्ड सेटिंग या फिर ओडिसी का वर्ल्ड ग्रीस। तो अब ये भी सब्जेक्टिव है, किसी को इजिप्ट पसंद होगा, डेजर्ट किसी को, बट मुझे ज़्यादा जो पसंद आया वो था ओरिजिन्स का वर्ल्ड। ओरिजिन्स का वर्ल्ड इसलिए क्योंकि जो आपको पिरामिड्स को चढ़ने में आती है, वो मुझे नहीं लगता किसी और चीज़ को करने में आएगी ओडिसी में, उतना मज़ा आएगा किसी चीज़ में। बट ये भी सब्जेक्टिव है, हो सकता है आपको पसंद आए मेरी बात या ना आए। मैं इसमें पॉइंट दूंगा ओरिजिन्स को। तो अब पॉइंट हो चुका है 2-2। अब बात करते हैं स्टोरी की, कि स्टोरी किस गेम की ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर तो हैंड्स डाउन ओरिजिन्स बहुत ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि ये लोर को रिस्पेक्ट करती है। लोर क्या होती है? लोर होती है बैक स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द करेक्टर्स। तो ये उसको टोटली रिस्पेक्ट करती है। इसमें प्रॉपरली बताया गया है कि क्यों लीप ऑफ फेथ का इन्वेंशन हुआ, कैसे हुआ, फर्स्ट असैसिन कौन था, क्या था। बट अब ओडिसी आ गई, उन्होंने पूरी की पूरी लोर को ब्रेक कर दिया। मतलब ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। स्पार्टा में वुमेन कभी भी फाइट करती ही नहीं थी स्पार्टन्स के टाइम में। तो इस गेम में एक कैसेंड्रा को दिखा दिया गया है स्पार्टन ओडिसी में। तो इस मामले में मैं ओरिजिन्स को पॉइंट दूंगा, एंड अप हो चुका है 2-3। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कि वैल्यू किस गेम में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी आपके प्राइस को लेके। $60 की गेम है, 3000 के आसपास। ज़्यादा बेटर आपको मज़ा किस गेम में आएगा, वैल्यू फॉर मनी क्या है आपके लिए। तो इसमें मुझे, अब ये भी सब्जेक्टिव है, हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाए पबजी मोबाइल खेलने में और उसको विचर 3 बहुत बोरिंग लगे, वैसा ही हो सकता है। इसमें भी मेरी बात पे ना एग्री करो, पर लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ज़्यादा मज़ा है वो ओडिसी में आता है। क्यों? क्योंकि वो RPG, आप उसको 10 बार भी खेल सकते हो डिफरेंट चॉइसेस करके। आप पहली रन में अपने पहली बार जब खेलो तो आप अच्छा करेक्टर बन सकते हो, दूसरी बार बुरा,
तीसरी बार न्यूट्रल, चौथी बार लेस्बियन, पांचवी बार स्ट्रेट बन सकते हो, मतलब बहुत सारी वैरायटीज हैं। साथ में बड़े बड़े डीएलसी हैं तीन। जो ओरिजिन है वो छोटी गेम है काफी ज्यादा, बट काफी ज्यादा फ्लैश्ड आउट गेम है। एक एक उसमें जो कटसीन है वो किसी वजह से है, बस टाइम भरने के लिए नहीं है, एक एक कटसीन का अपना मतलब है क्योंकि छोटी स्टोरी है। उस मामले में ओडिसी कटसीन्स वगैरह के मामले में थोड़ा फिलर कंटेंट ज्यादा है, बस नाम का कंटेंट। बट अगर हम देखें ज्यादा अच्छी गेम कौन सी खेलने के लिए मैकेनिक वाइज एंड ऐसे कि मजा किसमें आया ज्यादा, तो वो मुझे ओडिसी माता का ही फास्ट पेस्ड है। ऊपर से उसमें एक चीज बहुत अच्छी ये लगती है कि नेवल कॉम्बैट है, तो पॉइंट हो जाता है 4 and 3 आई बिलीव। तो यार देखो, मेरे को लगता है कि फाइनल पॉइंट से देखें तो ओडिसी ज्यादा बेटर है ओरिजिन से, सिर्फ एक पॉइंट से। बट बात यह है कि ये सब्जेक्टिव है, हो सकता है आपको ओरिजिन बहुत ज्यादा पसंद आए और ओडिसी बिल्कुल भी नहीं, या इनवर्स हो जाए ये बात। एंड मैं टोटली रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी बात को यार, इसको लेके टेंशन मत लिया करो कि ओरिजिन बेटर है ओडिसी, दोनों अच्छी गेम है, खेलो। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला था ओरिजिन वर्सेस ओडिसी के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैंने बना दी। आप कोई भी आइडिया दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं बना दूंगा उसे वीडियो, क्योंकि अच्छा कमेंट ही वीडियो में कन्वर्ट होता है, जैसे कि ये वाली वीडियो हो रही है कन्वर्ट एक कमेंट से। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं तो यही कहूंगा, दोनों गेम्स को मैं 10 out of 10 दूंगा, बहुत अच्छी मास्टरपीसेस हैं दोनों गेम्स। एंड आपको जो पसंद आए वो खेलो, बट मैं कहूंगा दोनों की दोनों खेलो, अपनी जगह दोनों अच्छी हैं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्या वीडियो देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बता दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। Until then, a big ass too sweet.